नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लेकर रीवा के कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। श्रमिकों को मदद, मनरेगा का समय बढ़ाने जैसे मुद्दों की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि कोरोना वायरस फैलने के दौरान अपने घर जाते हुए जो लोग शहीद हुए थे उन्हें 20 लाख रुपए सहित उनके परिवार को रोजगार और 10 रुपए महीना दिया जाए। उन्होंने मांग की बाहर फंसे मजदूरों को रोजगार, मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ हो, बिजली पानी का बिल माफ हो और तमाम लोगों के स्कूलों की फीस 3 महीने की माफ की जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जब कोरोना वायरस से पीड़ित लोग कम थे तब लॉकडाउन था और अब जब कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये बात समझ में नहीं आई। छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए की सहायता और तूफान से बर्बादी में सर्वे कराकर तत्काल मुआवजे की मांग का भी ज्ञापन उन्होंने रीवा एसडीएम को सौंपा। कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से लॉकडाउन किया इस देश में, उसका सब जनता ने, सब पार्टियों ने स्वागत किया, वंदन किया, उसका साथ दिया। लेकिन जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस देश का गरीब है, कितने उसकी क्या दुर्दशा हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। आप सब लोग उसके गवाह हैं। किस तरह जब तक उनके घरों में खाना था, उनके जेब में एक पैसा था, तब तक वो माने साहस के साथ जो जहाँ थे वहाँ पर रहे। लेकिन जब उनके घर का खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, सरकार ने सहायता देने की घोषणा की लेकिन उनके घर में एक पैसा नहीं पहुँचा, एक दाना नहीं पहुँचा, तब वो विवश हो गए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में हमने देखा है कि किस तरह से बच्चों की मौत हो गई है तो अपने कंधे पर उनकी लाश को लेकर के पैदल चल रहे हैं। वृद्ध पिता की मौत हो गई है, माँ की मौत हो गई है तो चारपाई पर ले करके और उस लाश को जा रहे हैं। कई जिले प्रदेश करते हुए, प्रदेश की सीमा प्रवेश करते हुए बाहर जा रहे हैं लेकिन सरकार उनकी लाशों तक को भिजवाने की व्यवस्था नहीं किया। इतनी दुर्दशा उनकी हुई है और कोरोना से लोगों की मौत हुई है, निश्चित रूप से दुख की बात है, हम सब दुखी हैं। लेकिन उसी तरह से कहीं ज़्यादा उससे मौत हुई है गरीबों की, जिनको भोजन नहीं मिला है, जिनको दवाई नहीं मिली है, जो बीमार रहे हैं। उनके आंधी तूफान से फसल बर्बाद हुई, उसके लिए हमने मांग किया कि किसानों को राहत दी जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों को बिजली का बिल माफ़ किया जाए, बस ऑपरेटर जनता को, यहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो गया लेकिन बस की सुविधा नहीं मिल रही है। अब जब बस चली ही नहीं तो उनको टैक्स खाने के लिए, टैक्स तो उनको कम से कम माफ़ करना चाहिए ताकि वो बस चलाएँ, जनता को सुविधा मिले। इसी तरह से जो उद्योग है उनके बिजली का बिल है, तो कई इस तरह के मुद्दे हैं जो गरीब जनता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि गरीब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अगर गरीबों का विश्वास कमज़ोर होगा तो कोई भी देश, कोई मुल्क प्रगत नहीं कर सकता है, इसलिए उनके स्वाभिमान को बचाना जरूरी है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक 2 के दूसरे चरण में अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाज़त और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।